अच्छा खासा फिर एक गैप अप 100 पॉइंट के आसपास 100 पॉइंट से ज्यादा की उछाल के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन शायद खुलते अगर 100 पॉइंट आया तो 100 प्लस पॉइंट मतलब 17 ये हो गया 18,050 के आसपास के जोन। इस तरह के गैप अप के बाद आपकी रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी आशीष जी, आशीष जी जो कल का सेशन रहा काफी अच्छा रहा ओवरऑल, और बेस्ट पार्ट ये रहा कि जो पुट कॉल रेशियो है वो वापस 1 के पार जाकर बंद हुआ निफ्टी का। हमें लगता है कि अगर ये गैप अप भी होता है तो इसे चेज कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से 18,000 पे कॉल राइटर्स खड़े हैं, करीब करीब 70 लाख के करीब के कॉल राइटर्स खड़े हैं, वो ट्रैप होंगे और अगर उनकी पोजीशन अनवाइंडिंग हुई तो यहाँ से और बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है इवन आफ्टर द गैप अप। तो 17,900 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 18,200 का जो इमीडिएट टारगेट है हमें लगता है कि शायद ये आज भी देखने मिल सकता है या नहीं तो कल तक के सेशन में, बट इवेंचुअली 18,280 का जो टारगेट है हमारा इस सीरीज का कि यहाँ तक निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री दिख रही है हमें आते हुए। वहीं मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का पीसीआर भी काफी अच्छा दिख रहा है, 1.2 के करीब बैंक निफ्टी का पीसीआर दिख रहा है और 40,500 पे जिस हिसाब से 25 लाख कॉल हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूव यहां से देखने मिल सकता है। जो अगर निफ्टी की बात करूं तो केमिकल, आईटी, रिलायंस सब में एक कल बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिला। बेस्ट पार्ट यह है कि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन भी निफ्टी में कल आ रहा था, सो विच इज पॉजिटिव फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी पीएसयू बैंक इंडेक्स काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसीआई हमने देखा कि एक अच्छा क्लोज दे पाया है, एक्सिस में भी एक बाइंग देखने मिली थी, तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 40,300 का एक स्टॉप लॉस लगाकर जो फर्स्ट टारगेट दिख रहे हैं हमें बैंक निफ्टी के वो 41,000 के और उसके बाद के 41,400 के।